क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मुवाजना है, ना हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मुवाजना है। इंडिया ने 3 जंगें लड़ी हैं, इंडिया ने वहाँ उनका डिजाइन ये है, इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपने बढ़ा है डिफेंस फोर्सेज का, हमने उसको तकरीबन रोका हुआ है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। देखें, चीफ आमिर साहब ने आज नेशनल सिक्योरिटी जो एक डायलॉग था उसमें बहुत अहम बात की है और ये एब्सोल्युटली सही बात है। देखें, जब से पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया और इंडिया के साथ हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया ने 3 जंगें लड़ी हैं, इंडिया ने वहाँ का डिज़ाइन ये है, इंडियंस हैव अ बिग हेजमोनिक डिज़ाइन इस रीजन में और पाकिस्तान उनका स्टम्बलिंग ब्लॉक है। पाकिस्तान क्योंकि एक सॉवरन मुल्क है, एक अच्छी है, एक अपना सॉवरन कंट्री भी है, फिर एक न्यूक्लियर मुल्क भी है, मुसलह फाज हमारी बैटल ट्रेन हम एक्सेप्ट नहीं करते नेशनल इशू के ऊपर। इसके साथ साथ उन्होंने फिर देखें कितनी अच्छी बात की कि इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपने बढ़ा है डिफेंस फोर्सेज का, हमने उसको तकरीबन रोका हुआ है, बल्कि कम उससे ज़्यादा हम बजट देखते हैं, इंक्रीज भी नहीं किया जा रहा है। अगर यही पैसा जो आप डेवलपमेंट के पैसे से सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इम्प्रूव करने के लिए आवाम का आप लेकर जाते हैं डिफेंस पे सेल्स की तरफ, आम परचेज की तरफ, कितनी कितनी डाइवर्शन होती है और वो लोग गुर्बत में शिकार होते जाते हैं। एग्जैक्टली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडिया में जो गुर्बत का हाल है, जैसे लोग सड़कों पर सोते हैं, फुटपाथ सोते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान के हालात उससे बहुत बेहतर हैं। यही पैसा अगर हम इनके ऊपर खर्च करें तो कितना फर्क पड़ जाएगा। और फिर उन्होंने बात की है सी पैक में कि सी पैक में अगर इकोनॉमिक तरक्की हो रही है, अब आपके सामने इंडिया को ये मंजूर नहीं है, कुछ और ममालिक को मंजूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये चाहता है कि इस सी पैक के अंदर हमारे रीजन के तमाम ममालिक हैं, इवन इंडिया है, उसका फ़ायदा उठाएं। कनेक्टिविटी आप बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी या कनेक्टिविटी कैसे होगी, और ये जो BRI की बात कर चाइनीज के प्लान है वो बहुत अच्छा डिजाइन है और ये पाकिस्तान एक उसका स्टेपिंग स्टोन है, इट्स अ फ्लैगशिप है करने के लिए। लेकिन कश्मीर इज अ बिग इशू, इंडिया हैज टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। जिस तरीके से पहले चल रहा था यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन थी, फिर ताशकंद के ऊपर बायलेटरल इशू बन गया, आपने सडनली 5 अगस्त 2019 को आके उसका कब्जा कर लिया जिससे और ज्यादा हालात खराब हो गए। तो ये अब इंडिया की बारी है कि वो इंडिया कैसे स्टेप लेता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हर दफा कहा और यही हम हमेशा कहते हैं, वी वांट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए इंडिया को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इंडिया को स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। जब तक ठीक हो गया, ये हारिस साहब बहुत शुक्रिया। नसीम सदीकी साहब हमारे साथ इनसे ये बात करेंगे। नसीम साहब, जैसे कि अभी सी पैक का भी मामला है और तमाम चीजें सिक्योरिटी की जरूरत है हर प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें भी हमें ना सिर्फ ये कि मुशावरत चाहिए और बहुत से जो हमारे नेबर कंट्री हैं स्पेशली उनकी जो साथ है वो चाहिए होगा। जैसे कि बेर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे मामले आते हैं जिसमें अब पहल उनको करनी ही होगी, तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में चलने वाले बहुत से प्रोजेक्ट और जहां रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की कि अब इसका एहसास जो एक न्यूक्लियर कंट्री भी है इंडिया उसको करना चाहिए। देखें, अपना सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही इस खत्ते में बहुत गुर्बत रही है, उसके देखें कि कोविड की वजह से जो है खत्ते में और भी ज़्यादा गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। तो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने आते साथ ही मोदी साहब को ऑफर ये की थी कि जंगो जदल छोड़ें, आए मेरे साथ मिलके चले और खत्ते में हम गुर्बत कम करते हैं, और वो अपने इस बयान पे अभी भी कायम है। इंडिया जो है, भारत बहुत बड़ा एक हिस्से का मुल्क है, स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान जिस तरह अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, आप देखें कि जो दहशतगर्दी की जंग भी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, 70,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियंस ने उसमें जाने दी, करोड़ों अरबों डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा, लेकिन पाकिस्तान जो है इस जंग के खिलाफ जंग करता रहा और इस खत्ते में अमन लाने के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान की हैं दुनिया अब उसको सराहती है। अभी भी आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं अमन के, उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार, अमेरिका भी बहुत खुश है, तालिबान भी खुश है, और ये अगर खित्ते में अमन आएगा तो जो गुर्बत है वो खत्म होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत ज्यादा जो अपनी मीटिंग्स में भी डिस्कस करते हैं वो गुर्बत के बारे में करते हैं कि इस इलाके इस खित्ते से गुर्बत कम होनी चाहिए, भारत को अपना रोल प्ले करना चाहिए, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत उसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन हो सकती है। पाकिस्तान में जिस तरह सी पैक का मामला चल रहा है, ये इस खित्ते में
बहुत ज़्यादा माशी हालात जो है वो चेंज करेगा, ये गेम चेंजर साबित होगा। जितनी भी हमारी वस्ती रियासतें हैं और पाकिस्तान के जितने भी सात ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, या भारत हो, चाइना तो पहले ही हमारे साथ शामिल है, तो इससे खित्ते में बहुत ज़्यादा मुआशी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये खित्ता जो है इधर गुर्बत कम होगी। तो भारत को चाहिए कि वो एक मुस्बत रोल अदा करे। उसने जो इस वक्त दहशतगर्दी का बाजार अपने मुल्क में गर्म कर रखा है, ये कश्मीरियों के ऊपर जो है एक साल से ज़्यादा उनके जालिम जो मजालिम वो ढा रहा है, उसको खत्म करे और खित्ते की तरक्की के लिए सोचे और पाकिस्तान के साथ मिल के चले। बिल्कुल ठीक है जवाब तहरीर साहब, भी हमारे साथ हैं। जवाब तहरीर साहब, जहाँ पे हम ये देख रहे होते हैं कि भारत को भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार अदा करने की जरूरत है, तो वहां पे खुद भारत के अंदर इस वक्त 33 से ऊपर इंसर्जेंसीज चल रही हैं, और अगर वो उनकी तरफ भी तवज्जो दे ले तो मेरा ख्याल है, और बहुत से ऐसे स्ट्रेटजिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं कि अगर भारत अपने मुल्क में चलने वाली इंसर्जेंसीज के ऊपर तवज्जो दे ले तो शायद रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ कदम हो। तो जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ बात करते हैं कि अब भारत को कदम उठाने की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि भारत को खुद अपनी सिक्योरिटी की तरफ भी कदम उठाने की जरूरत है? जी मुनालम, जब भारत की तरफ रुख करते हैं किसी भी मुज़ाकरात के बारे में, जैसे कि अभी अंबर भी कह रही थी कि बहुत उम्मीद नहीं है, अगर उम्मीद नहीं है तो फिर कौन से ग्राउंड्स हैं जो भारत को इस तरफ लेके आ सकते हैं मुज़ाकरात की तरफ? ये सवाल तो वैसे काफी पेचीदा है कि भारत को आया क्या चीज आमादा कर सकती है, क्योंकि जो बैन अलावामी कुवतें भी हैं, हमें पता है कि उनके पास भी उनके इट्स एंड बट्स हैं और भारत के साथ बहुत मुआशी इंटरेस्ट उनके क्लिंच हुए हुए हैं, तो गालिबन उनसे प्रेशराइज करने की अगर तवक्को लगाए तो मुझे लगता है दैट विल बी टू मच। लेकिन जो अभी आज का जो आर्मी चीफ का बयान है, एक बात से 100% हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए, और वो ये है कि देखिए जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो भी हमारे माली अखराजात हैं हम इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हम सिक्योरिटी सेंट्रिक हैं, हम तमाम सिक्योरिटी सेंट्रिक इसी वजह से हैं। उसको भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो उसकी भी वजह घूम फिर कर भारत ही होता है, क्योंकि भारत ही हमारे लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। भारत ने इस पूरे खित्ते में जिस किस्म की अपनी हेजेमनी बनाने की कोशिश की हुई है उसी की वजह से हमें भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत अपने सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स अलाइन रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मुवाजना है ना हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मुवाजना है, लेकिन इसके बावजूद अगर हमें प्रोएक्टिव रहना है, उनकी किसी भी धमकी या थ्रेट का हमारे पास जवाब होना चाहिए, तो जाहिर है वो एक कॉस्ट के तहत आता है, वो जो कॉस्ट है वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे ना लग के हमारे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में लगती है। मुझे खुशी है कि आज आर्मी चीफ ने इस बात को एक्नॉलेज किया है, इसको रिकग्नाइज किया है, और ये जो बात है ना कि गढ़े मुर्दे पुराने वाले अब हमें नहीं उखाड़ने चाहिए, पास्ट को भुला के हमें आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे तो लगता है कि शायद सोच कम पड़ जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोग दोनों मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन 2019 का जो भारत का 5 अगस्त का एग्जाम था, मुझे लगता है हमें उसको भी सबसे ज्यादा वेटेज देनी चाहिए किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए। जो हमारा फोकस है ये एक सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होना चाहिए कि भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ किया, जो उनके साथ खसूसी स्टेटस उनका छीना, जिस किस्म का वो इकदाम था उसका मुझे लगता है कोई पैरेलल हमें रीसेंट तारीख में नहीं मिलता है। लिहाजा भारत अगर उस अपने एक स्टेप पर वापस जाए, जो गालिबन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगर भारत उस चीज को विड्रॉ करता है फिर मे बी वी कैन ओपन अप न्यू एवेन्यूज ऑफ टॉक, उसके बाद हम लोग नई मजीद कोऑपरेशन तलाश कर सकते हैं।